दोस्तों 24 अगस्त 2019 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फाइनली आ चुका है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस, डेपुटेशन और रेगुलर दोनों ही किस्म की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको कुछ ही मिनटों में इस पूरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि पहले कुछ पेजेस में कोई भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है, वो सभी एडिटोरियल पेजेस हैं और पेज नंबर 5 पर जाकर के पहली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आती है। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट की पहली नोटिफिकेशन पेज नंबर 5 से आ रही है केयर टेकर की वैकेंसी के लिए, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। डेपुटेशन बेस्ड ही वैकेंसी है दोस्तों। जॉब लोकेशन रहने वाली है न्यू दिल्ली। ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चूंकि ये डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसी है, इसीलिए अगर आप केयर टेकर के पद पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी और सरकारी या गैर सरकारी महकमे में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पेमेंट 1 की सैलरी दी जा रही है 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,400 के साथ। लास्ट डेट के बारे में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के इस आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी भी पेज नंबर 6 से आ रही है, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से यंग प्रोफेशनल्स के लिए। लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली, इसमें भी जॉब लोकेशन रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, साथ में अगर आपको 3 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है और सैलरी इसमें दी जाएगी 80,000 रुपये पर मंथ। लास्ट डेट 3 सितंबर 2019 है। नेक्स्ट वैकेंसी पेज नंबर 6 से आ रही है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस IHBAS की तरफ से, जहां पर कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं दोस्तों। जॉइंट डायरेक्टर, फाइनेंस एडवाइज़र, प्रोजेक्ट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसी प्रकार से बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एक एक दो दो वैकेंसीज निकाली गई हैं। लेवल 6 से लेवल 13 के बीच में यहाँ पर सैलरी दी जा रही है और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस शॉर्ट रिक्रूटमेंट नोटिस में नहीं दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट IHBAS.delhigovt.nic.in पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और इसके बारे में बाकी डिटेल भी जान सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 8 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पेज नंबर 6 से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से, जहां पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए डेपुटेशन पर वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली, इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है दोस्तों। लेवल 8 की सैलरी दी जाएगी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक। लास्ट डेट 23 सितंबर 2019 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी पेज नंबर 7 से आ रही है, जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है बी और सी ग्रुप की वैकेंसीज के लिए। शिलोंग इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 29,500 से लेकर के 35,400 तक की सैलरी रखी गई है, प्लस इसके अलावा अलाउंसेस हैं। 23 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी पेज नंबर 8 से आ रही है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए राजकुमारी अमित कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डेपुटेशन बेस्ड ये भी वैकेंसी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन नर्सिंग अगर आपके पास है, प्लस साथ में 12 साल का अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1,23,100 रुपये से लेकर के 2,15,900 रुपये तक की सैलरी इसमें रखी गई है। 23 अक्टूबर 2019 इसमें लास्ट डेट रखी गई है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 9 से आ रही है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। रिसर्च एसोसिएट और GRF के लिए वॉक इन कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसके लिए MTech और PhD कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 31,000 से लेकर के 54,000 इसमें सैलरी है। 16 सितंबर 2019 को ये वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 9 से ही आ रही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासिकल इंडियन ड्रामा, म्यूजिक और एक्टिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। BA की अगर आपके पास डिग्री है विद NSD डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही अगर मास्टर डिग्री आपके पास है विद एटलीस्ट सेकेंड क्लास इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यू दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम एज रखी गई है 45 साल। लेवल 10 की इसमें सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक। 23 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 10 से आ रही है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल्स इन इंडियन नेवी 2019। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों। इंडियन नेवी में MTS कुक, फायर इंजन ड्राइवर और इसके अलावा भी बहुत सारी 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं।
और 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर के 69,000 का पे स्केल रखा गया है। ये सभी बेसिक पे हैं दोस्तों, सैलरी इन हैंड नहीं है, सैलरी इससे ज़्यादा मिलेगी। लास्ट डेट की बात करें तो 15 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 13 से आ रही है दोस्तों, जहां पर इसरो की तरफ से एक ब्रांच है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, यहां पर बेंगलुरु में यहां पर वैकेंसी निकाली गई हैं टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी और टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की दोस्तों। टेक्नीशियन बी यानी कि फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। ड्राफ्ट्समैन के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज निकाली गई हैं और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल में वैकेंसीज निकाली गई हैं। 10th प्लस ITI और साथ में डिप्लोमा, दोनों ही कैंडिडेट्स अलग अलग वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है दोस्तों, 21,700 से लेकर के 44,900 का बेसिक पे रखा गया है, साथ में अलाउंसेस। 13 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 16 से आ रही है। नेशनल म्यूजियम के लिए क्यूरेटर की वैकेंसीज निकाली गई हैं पब्लिक रिलेशन में। मोड की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये भी डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसी है, जनपद दिल्ली जॉब लोकेशन रहने वाली है। पेमेंट 11 की सैलरी मिलेगी 67,700 से लेकर के 2,08,700। 23 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। 10th प्लस ITI और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आसाम के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेंटर्स के लिए ये अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और इससे आगे की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 18 से 24 साल एज लिमिट रखी गई है। 31 जुलाई 2019 से एज कैलकुलेट की जाएगी। 31 अगस्त 2019 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स की तरफ से, जहां पर टेक्नीशियन डीजल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन इसमें रहने वाली है पोर्ट ब्लेयर। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग साथ में 2 साल का अनुभव, या फिर 10वीं प्लस 4 साल का अप्रेंटिस साथ में 2 साल का अनुभव, कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। 21 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। 30 सितंबर 2019 से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। पेमेंट लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। 30 सितंबर 2019 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है पेज नंबर 22 से डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर के लिए शॉर्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है। लेवल 6 से लेकर के लेवल 11 तक यहाँ पर सैलरी रखी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री इन सिविल की रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए MSc, मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS, जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अगस्त 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 23 से आ रही है ऑफिस ऑफ द टेक्सटाइल कमिश्नर की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है एडिशनल टेक्सटाइल कमिश्नर के लिए। डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसी है, मुंबई इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 13 ए की सैलरी मिलेगी दोस्तों 1,31,100 से लेकर के 2,16,600 तक। 23 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी पेज नंबर 23 से आ रही है, जहां पर इसरो की तरफ से नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए साइंटिस्ट ST और साइंटिस्ट SC के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो PhD इन फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस फिजिक्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। www.narl.gov.in पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और इससे आगे की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 67,700 से लेकर के 2,08,700 इसमें सैलरी रखी गई है। 13 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 24 से आ रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन हिंदी, इंग्लिश, फंक्शनल हिंदी ट्रांसलेशन के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विशाखापट्टनम और तेलंगाना इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। www.bdl.india.in पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21,800 से लेकर के 30,000 का इसमें सैलरी का पैकेज रखा गया है। 14 सितंबर 2019 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 25 से आ रही है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है मैनेजर्स के लिए। बेसिकली एक वैकेंसी है दोस्तों यहां पर, जो पे स्केल दिया जा रहा है 60,000 से लेकर के 1,80,000 का दिया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि अगर आपने फेलो या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI के मेंबर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर LLB की रिक्वायरमेंट रखी गई है। 37 साल तक के कैंडिडेट्स एज लिमिट में, मैक्सिमम एज लिमिट 37 साल रखी गई है और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 साल का कम से कम होना चाहिए। 16 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन
कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कैंटोनमेंट बोर्ड लेबोंग की तरफ से आ रही है, जहां पर एलडीसी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। दसवीं पास ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दार्जिलिंग इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है दोस्तों। सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है, 5,200 से लेकर के 25,200 का बेसिक पे का पे स्केल रखा गया है और 2600 इसमें ग्रेड पे एडिशनल दी जाएगी प्लस अलाउंसेस। 16 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन HSCC की तरफ से निकाली गई है, जहां पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT और फिनेंस, HR, ये सब कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी इस ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 8 साल रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 8 रखी गई हैं। ऑफलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और जो लास्ट डेट इसमें रखी गई है वो रखी गई है 9 सितंबर 2019। इसके अलावा रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है भारत सरकार केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान की तरफ से, जहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। बेसिकली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसमें रहने वाली है दोस्तों मध्य प्रदेश। 25,000 से लेकर के 1,12,500 तक इसमें सैलरी बेसिक पे रखी गई है। 1 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से, जहां पर बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। केयर टेकर, फोटोकॉपियर के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। सभी वैकेंसीज डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहने वाली है। 5,200 से 39,100 रुपये तक का बेसिक पे रखा गया है और जहाँ तक लास्ट डेट की बात है 24 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 28 से आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की तरफ से, जहां पर वाइस चांसलर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। www.imu.nic.in या फिर www.shipment.gov.in पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन थी दोस्तों और इससे आगे की जानकारी के लिए आपको इन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। 23 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 29 से राष्ट्रीय संस्कृत संगठन की तरफ से, जहां पर प्रोफेसर्स की वैकेंसीज निकाली गई हैं बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। PhD कैंडिडेट्स मिनिमम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यू दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन आने वाली है। www.sanskrit.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 14 की बहुत ही अच्छी सैलरी दी जा रही है। 13 सितंबर 2019 तक शाम 6 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी पेज नंबर 29 से ही आ रही है, जहां पर सैनिक स्कूल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। TGT सोशल साइंस के लिए ये वैकेंसी रखी गई है। एक वैकेंसी है दोस्तों जिसके लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। अगर आपने ग्रेजुएट की हुई है दो सब्जेक्ट्स के साथ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और साथ में आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 7 की इसमें सैलरी रखी गई है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक। 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। 14 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये अप्लाई करना है आपको ऑफलाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 29 से ही नेशनल बाल भवन की तरफ से, जहां पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि AAO के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसी है दोस्तों। न्यू दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। www.nationalbalbhavan.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप इसके लिए और आगे की इन्फॉर्मेशन या फिर आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। 9,600 से लेकर के 34,800 इसमें सैलरी रखी गई है। ग्रेड पे 4,600 के साथ 23 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी पेज नंबर 29 से आ रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की तरफ से, जहां पर बिहेवियरल साइंस और टीचिंग मेथोलॉजी के लिए रीडर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसीज हैं। हैदराबाद इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 23 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 30 से आ रही है, जहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है डिप्टी मैनेजर्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर आपके पास इन तीनों ही ब्रांच से डिग्री है, साथ में आपको 7 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। www.sale.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त 2019 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी पेज नंबर 30 से आ रही है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा की तरफ से, जहां पर लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इंटरमीडिएट अगर आपने साइंस से की हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ और भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं बट उनसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है साइंस के साथ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25,500 इसमें सैलरी दी जाएगी जो कि बहुत ही अच्छा केस है दोस्तों और लास्ट डेट रखी गई है 14 सितंबर 2019। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 30 से प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी की तरफ से, जहां पर वॉक इन एंड कंडक्ट किए जा रहे हैं SRF और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए। 14 सितंबर 2019 और 18 सितंबर 2019 को ये वॉक इन कंडक्ट किए जा रहे हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन थी, इससे ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन की तरफ से निकाली गई है, जहां पर LDC और स्टेनोग्राफर्स के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है।
पे बैंड वन की यहाँ पर सैलरी रखी गई है 5,200 से 20,219 ग्रेड पे के साथ। 28 से 30 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट रखी गई है, 200 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है जो कि DD के माध्यम से आपको पे करना है। लास्ट डेट रखी गई है 30 सितंबर 2019। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ की तरफ से आ रही है, जहां पर प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है अप्लाइड साइंस मीडिया सेंटर और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से चंडीगढ़। इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है लेवल 14 की दोस्तों, यहां पर सैलरी दी जाएगी 12 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 31 से आ रही है, जहां पर नोटिफिकेशन आई है गेट 2020 की, जिसमें शेड्यूल दिया गया है गेट 2020 का। इसके लिए 3 सितंबर 2019 से ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट जा रही है 24 सितंबर 2019 तक। तो जो भी गेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इस पेज नंबर 31 पर आकर के पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस की तरफ से, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसीज निकाली गई हैं। 56,100 से लेकर के 177,500 इसमें सैलरी रखी गई है। 23 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी की तरफ से, जहां पर जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसीज निकाली गई हैं। न्यू दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये का पे स्केल रखा गया है। 23 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 33 से आ रही है 33 से, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से डायरेक्टर की वैकेंसीज निकाली गई हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज यानी कि CIHCS की तरफ से अरुणाचल प्रदेश। इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है, अगर आपने डॉक्टरेट डिग्री है आपके पास बुद्धिस्ट स्टडीज बुद्धिस्ट फिलोसफी और सोशियोलॉजी साथ में एंशियंट हिंदी हिस्ट्री, इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 37,400 से लेकर 67,800 के ग्रेड पे के साथ इसमें सैलरी रखी गई है। 16 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 33 से आ रही है नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स की तरफ से, जहां पर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री और डिप्लोमा ये तीनों ही कैंडिडेट्स अलग अलग वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेघालय इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर सैलरी 45,000 से लेकर के 177,500 की बेसिक पे रखी गई है और अलाउंसेस अलग से। 16 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 34 से आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर डीन प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल साइंसेज के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उड़ीसा इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है, डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पर ये सिलेक्शन की जाएगी। 31 अगस्त 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 36 जारी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर डिप्टी मैनेजर और मैनेजर IT के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आपने BE या BTech किया हुआ है IT या CS ब्रांच से साथ में आपको 1 से 3 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंगलोर और अहमदाबाद इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 23,700 से लेकर के 45,950 का बेसिक पे रखा गया, साथ में अलाउंसेस अलग से। 9 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर के लिए डेपुटेशन बेस्ड वैकेंसी निकाली गई। कृषि भवन न्यू दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। सैलरी पेमेंट 3 की दी जा रही है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये ग्रेड पे 6,600 के साथ। 23 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 37 से आ रही है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन की तरफ से, जहां पर वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज के लिए। 24 सितंबर 2019 को ये सुबह 10:30 बजे वॉक इन कंडक्ट किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये पर मंथ की यहां पर सैलरी रखी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के साथ ये वैकेंसी निकाली गई है। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स ये बहुत सारे महकमे हैं जिसके लिए मास्टर डिग्री अगर आपके पास है जिस फील्ड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नागालैंड इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 21 से 45 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों ये कुछ मेन नोटिफिकेशंस थी। ऑलमोस्ट 90 से 95% नोटिफिकेशंस हमने कवर की हैं इसमें। रिक्रूटमेंट की तो सारी नोटिफिकेशंस हैं, इसके अलावा जो बाकी की नोटिफिकेशंस हैं वो कोर्सेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस वो नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करते रहने के लिए। इसके बाद के जो पेजेस हैं दोस्तों, पेज नंबर 40 तक ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ गया है, 37 पेज नंबर तक हमने आपको बता दिया। बाकी के 3 पेजेस एडिटोरियल पेजेस हैं जिनमें कोई वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इन वैकेंसीज़ के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।